So very good morning. In your previous class, we just talked about how when after the independence, there was a shortage of food grains in our country and there was a need to increase the production. So before, after the independence, still some arrangement of increasing the production could be done. Till that time, the traditional form or traditional way of farming were used, right? Where the old means of ploughing or harvesting were used. I mean, new technology was not there, and even the manures or fertilizers, they were also very natural type, and they were easy to buy, and the process was not at all a very expensive one. But that resulted in the less growth of or less production of the things, right? Or of the grains. So the scientist has mentioned they worked on the product, on the seeds, so that more and more production could be done. So uska result kya raha ki unhone aisi kuch seeds बनाई, जिसका इन्वेंट की, जिससे कि एक ही स्टॉक से या एक ही प्लांट से मल्टीपल ग्रेन्स जो थे वो प्रोड्यूस किए जा सकते थे. एंड दैट टाइप ऑफ द सीड्स वर नोन एज HYV सीड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, राइट? तो इसका बहुत बेनिफिट हुआ कि द प्रोडक्शन हैड इंक्रीज्ड टू मेनी फोल्ड, टू मल्टीपल फोल्ड, राइट? और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था या ये जो एकदम ट्रेमेंडस इंक्रीज रहा प्रोडक्शन में, दैट वाज नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, द फार्मर्स नाउ दे हैड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट. अब उनके पास सरप्लस व्हीट था जो कि वो अपने मार्केट में बेच सकते थे, राइट? Now the question arises कि ये जो green revolution था, it had always been beneficial, but उससे क्या हम land जो था, क्या land suffer कर रहा था, या the land will would have been producing the way it was producing, क्या कोई changes नहीं आ सकते थे land में? The answer is ki yes, the many changes were there in the land or the soil. See, first of all, reason kya tha ki ye jo HYV seeds thi, as mentioned ki they could be beneficial only when accompanied by the irrigation facilities plus the chemical fertilizers and the pesticides. Isme se agar ek bhi cheez missing hai to ye jo seeds hai wo kaam nahi karti, राइट? तो इनका एक नुकसान भी थोड़ा सा रहा है. क्या नुकसान रहा है, क्या इसके लूपहोल्स रहे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रहे हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट. एंड वी विल टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स अंडर द हेडिंग विल द लैंड सस्टेन. सो द लैंड इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, वी ऑल्सो नो. तो अगर इसके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें काफी केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि लैंड इज फिक्स्ड, राइट? एंड इसमें जो जो चेंजेस हैं, दीज आर टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी प्रॉपरली. ये इस ढंग से इसको यूज किया जाना चाहिए कि इसे कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, या यू कैन से कोई सफरिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ नेचुरल रिसोर्स प्लस इट्स अ फिक्स्ड वन. इसे हम इंक्रीज तो कर नहीं सकते हैं, तो जो हमारे पास है एटलीस्ट वी कैन गो फॉर इट, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग इट, राइट? अदरवाइज सस्टेन का मतलब ये होता है कि कोई अनप्लीजेंट इंजरी है या कुछ सफरिंग तो नहीं है. विल द लैंड सस्टेन? यस, द लैंड सस्टेन्स. सो व्हाट आर द लूप होल्स और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इट इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, राइट? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जस्ट अ मिनट, या इट इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल
fertility. Why? Because of increased use of chemical fertilizers, right? अब हम जितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे लैंड के ऊपर, उतनी ज्यादा जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी. जितने हम नेचुरल मैन्योर्स यूज करेंगे उतनी इसकी जो फर्टिलिटी है वो रिटेन रहेगी. सो सबसे बड़ा लॉस यही रहा कि इट हैज लेड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. एंड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट पंजाब इज द स्टेट विच इज कंज्यूमिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स एट अ वेरी हाई रेट. मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो पंजाब में ही यूज होते हैं. सेकेंडली, the continuous use of groundwater for tubal irrigation has led to the depletion of water table. Depletion of water table. Right? अब इतना ज्यादा पानी जो है हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द इरिगेशन. जैसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग हमेशा, ये जो फार्मर्स हैं, दे कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मॉनसून्स. सो दे हैव टू हैव देयर ओन वे और ओन अरेंजमेंट्स फॉर द इरिगेशन. अब वो अरेंजमेंट्स के लिए पानी कहाँ से आएगा? डेफिनेटली जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है वो ही ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट? सो दैट इज यूज फॉर द इरिगेशन. और जितना ज्यादा पानी अब यहाँ यूज हो रहा है, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू रिड्यूस दैट वाटर टेबल. पंजाब में जो लोग अभी बोरवेल्स खुदवा रहे हैं, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए खुदवा रहे हैं, तो दे विल टेल यू पीपल कि आज से 25 to 30 ईयर्स पहले तक जो जब ऐसे बोरवेल किए जाते थे ना, बोरवेल जैसे आप लोग सबमर्सिबल पंप कहते हैं, राइट, उसके लिए क्या होता है कि बोर्स किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे गड्ढे से किए जाते हैं पाइपलाइन के थ्रू, वहां से पानी निकलता है, राइट. तो पहले क्या होता था कि बहुत ऊपर ही लेवल पे पानी जल्दी आ जाता था. बट आजकल क्या होता है कि दे हैव टू डिग वेरी डीप बोर्स सो एज टू गेट द वॉटर. अदरवाइज पानी ही नहीं निकलता, बहुत ज्यादा डीप लेवल पर जाके ही पानी जो है वो निकलता है. रीजन क्या है? दैट देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल या अंडरग्राउंड वाटर बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस. दैट फॉर द बेसिक रीजन इज दैट द ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन, राइट. सो ये कुछ एनवायरमेंटल जैसे थ्रेट्स हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन. और ये जो सॉइल फर्टिलिटी है या ग्राउंड वाटर है ना, ये अगर एक बार डिप्लीट हो गए, एक बार डैमेज हो गए या डिप्लीट हो गए, तो इनको दोबारा बनने में बहुत टाइम लगेगा. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम. वन मोर लूपहोल यू कैन से वाज देयर या डिसएडवांटेज वाज देयर कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था that was there or the HYV seeds were there only in rice and wheat. जो HYV seeds बनाई गई थी वो सिर्फ rice और wheat के लिए थी, बाकी crops के लिए नहीं थी. तो जो production में increase था ये वो सिर्फ rice and wheat का जो production था that was increased to manifold, whereas other crops were producing at the same old pace, right? One more thing was that these HYV seeds or this green revolution was limited to North India. ये North India तक ही limited रहा था. It could not reach the South India. Plus ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसमें जो सीड्स वर एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ इरिगेशन एंड द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स,
Plus, these things require the technology also. So all these things in combination could not be afforded by the poor farmers. तो इसका बेनिफिट भी जो था वो रिच फार्मर्स को ही मिला, पुअर फार्मर्स कुड नॉट हैव एनी ऑफ द बेनिफिट, राइट। सो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी प्लस जो HYV सीड्स है वो सीड्स भी काफी महंगी होती हैं। दी सीड्स इटसेल्फ आर एक्सपेंसिव वन, राइट। सो एनीहाउ दीज वर द loopholes that were associated with the green revolution. And chemical fertilizers jo hain, how they are leading to the deterioration of the soil. Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. But these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. These can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. ये जो chemical fertilizers होते हैं वो कैसे खराब करते हैं, कि ये कुछ ऐसे minerals इनमें होते हैं जो कि इमीडिएटली प्लांट्स को मिल जाते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। बट व्हाट हैपेंस कि दीज व्हेन दे सीप डाउन इन द सोइल दे पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर, राइट। और यही केमिकल्स हैं, जब ये केमिकल्स के बाद जब इनको इरिगेशन या पानी दिया जाता है तो ये क्या होते हैं, ये जमीन के अंदर भी चले जाते हैं, कुछ एवोपोरेट हो जाते हैं, राइट। एंड एज मेंशन की जब ये जमीन के अंदर चले जाते हैं तो ये सॉइल के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, उन्हें भी ये मार देते हैं। और इनका लगातार यूज जो है दैट मे लीड टू द सॉइल इनफर्टिलिटी, राइट। एंड द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। मैंने आपको बताया था कि पंजाब में ये हाईएस्ट है, और इसी के कारण ये जो सॉइल की हेल्थ है पंजाब में वो डिग्रेड हो रही है। और रीजन भी ये है कि शायद कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि दीज फार्मर्स दीज आर फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। रीजन इज कि जितना फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे उतना ज्यादा इनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। सो ये एज सच की इट्स नॉट ओनली अबाउट पंजाब, बट यस उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे एरियाज जो हैं, हरियाणा, यहाँ पर भी सेम जो चीज है दैट इज हैपनिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। अब अगर हम ये अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण या ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फीचर्स है दैट कुड नॉट बी अफोर्डेड बाय द पुअर पीपल या पुअर फार्मर्स। सो हमने अभी जस्ट ये पढ़ा कि रिच फार्मर्स कुड अफोर्ड एंड द पुअर फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड। इट मीन्स कि फार्मर्स में भी कैटेगराइज किया हुआ है, रिच फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, किस बेस पर हैं। इट मीन्स कि एवरीवन इज नॉट हैविंग द इक्वल लैंड, everyone is not having the equal land. किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, right? तो same is there with the Palampur also. Here in Palampur, as already mentioned, कि 70% लोग जो हैं, they are engaged in agriculture, right? One third of the 450 families are landless. अब 450 फैमिलीज जो है पालमपुर में रहती है, जिनमें से कि 150 जो है दे आर इसे वन थर्ड आर लैंडलेस। लैंडलेस है मीन्स उनके पास अपनी लैंड है ही नहीं, एंड दे वर्क ऑन द लैंड ऑफ द रिच फार्मर्स एज द लेबर्स। 150 फैमिली आउट ऑफ 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। Of the remaining families who own land,
बाकी जो बच गए जिनके पास अपनी जमीनें भी हैं, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स, राइट, और इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं होता है. इफ यू सी दिस फिगर हियर आल्सो यू विल सी कि कुछ तो है जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स भी हैं, राइट. यू कैन सी फ्यू फार्म्स आर देयर व्हिच आर वेरी बिग आल्सो, सम आर एट द मीडियम लेवल एंड सम आर वेरी स्मॉल, राइट. आई विल शो यू. Like this one, these both, these are the very bigger one. These are better, you can say medium size hai ye. These are the very small size, right? Ye hai ya ye hai. Aap dekh sakte ho kitne kitne chote size ke farms jo hai yahan par hai, right? So yahan par jo distribution hai, at least that is not at all a equal one. यहाँ पे एक आपका सोर्स दिया हुआ है, आई रीड इट आउट फॉर यू पीपल, दैट इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड. विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टीवेटेड द लैंड, दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली. द फैमिली मैनेज्ड टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफलो दैट द फैमिली पजेस्ड. Some years after Gobind's death, this land was divided among his each one. So some years after Gobind's death, the land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming methods, Gobind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. See, हमारे country में सबसे बड़ी problem पता है क्या है? That is the law of inheritance. लोगों के पास काफी बड़े बड़े plots या काफी बड़े बड़े land size रहे, but because of the law of inheritance, जहां पर फादर की प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिवाइड होती है उनके बच्चों में, तो डेफिनेटली इफ से द फार्मर इज ही इज हैविंग अ 4 एकड़ ऑफ लैंड, बड़ा एकड़ है, 4 एकड़ अच्छी बड़ा लैंड साइज हो जाता है. ही इज हैविंग 4 सन्स और से ही इज हैविंग 2 सन्स, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन दैट द लैंड विल बी डिवाइडेड इक्वली और हर बच्चे को मिल जाएगी 2 एकड़. आगे उनके बच्चे होंगे दो दो, उनको मिलेंगे एक एक एकड़, उसके बाद सॉरी हेक्टेयर, उसके बाद और नीचे जाओ. ऐसे करते करते क्या होता है, डिविजन्स होते रहते हैं, प्रॉपर्टी के आगे हिस्से होते रहते हैं. उसके कारण क्या होता है कि जो लैंड साइज इट इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड व्हेन द लैंड इज स्मॉलर, लैंड साइज इज स्मॉलर, देन द प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. चाहे जितने मर्जी फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल कर लो, अगर लैंड साइज ही इतना छोटा है तो आप प्रोडक्शन जो है वो कैसे इंक्रीज हो पाएगा. सो सबसे पहले तो जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसी के ऊपर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है. पालमपुर में भी सेम चीज इट्स देयर. अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर एंड दीज आर कल्टीवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स. जो बड़े फार्म्स हैं दीज आर कल्टीवेटेड ईदर बाय द लैंडलेस फार्मर्स और द स्मॉल फार्मर्स. And on the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large. And in Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. You can say ki out of 450 families, right? Out of 450 families, there are only 60 families which are either the large farmers or the medium. और उनमें भी बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज हैं विच हैव द लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर देन 10 हेक्टेयर्स. नाउ हियर आल्सो यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ द वर्क इज डन. वर्क ऑन द फील्ड्स, क्रॉप है वीट, प्लॉइंग बाय द बुगलक्स, देन सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, then cultivation by the traditional methods,
कल्टीवेशन बाय देन द मॉडर्न मेथड्स एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स. आप पीछे देख सकते हैं कि टॉप पे क्या है कि बुलक कार्ट्स यूज हो रही हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं फार्मिंग के वो यूज हो रहे हैं. वेयर एज नीचे के पिक्चर्स में आप देखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं वेयर द ट्रैक्टर इज यूज्ड. सो वहां पर डेफिनेटली कि अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ज्यादा होंगे तो वो आई मीन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है दैट विल बी देयर. Right, so here we come to the end of the land, right? And in tomorrow's class, we will talk about the labor.